आज मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि शाम को आप ले सकते हैं या फिर सुबह में भी ले सकते हैं या फिर बच्चों को लंच में भी आप इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ढेर सारी चीज़ों से बना हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक कटोरी में दो छोटे छोटे उबले हुए आलू ले लिया है, कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। फिर उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा इसमें मैंने शिमला मिर्च डाला है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, और उसके बाद कुछ और चीज़ें हम डालेंगे। अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं वो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा गाजर, उसको कद्दूकस करके ले लेंगे, थोड़ा सा खीरा कद्दूकस करके ले लेंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। फिर यहाँ पे नमक जो है स्वाद के अनुसार डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है। और यहाँ पे हम डाल देंगे चाट मसाला। अगर फ्रेंड आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो इसमें डालिएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर डाल के बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। फिर उसके बाद हम ग्रीन चिली सॉस ले लेंगे, अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। फिर टमाटो सॉस डालेंगे। फिर मैं यहाँ पे ओरिगेनो डाल रही हूँ, अगर आपके पास ओरिगेनो नहीं है तो आप भुना हुआ जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए एक कटोरी ले लेंगे हम, उसमें ये उबला हुआ जो काला वाला चना होता है इसको मैंने उबाल करके ले लिया है, और ये जो सारी चीज़ें हमने मिक्स की हैं इसी में हम इसको डाल देंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अनार का दाना डाल रही हूँ, आप इसमें अनार का दाना डालिएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी चीज़ों को जो है ले लिया है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने का देख सकते हैं कितना अच्छा ये लग रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा सेव है, भुजिया है जो है वो डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमकीन डाला है और इसको मिक्स कर दिया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितना अच्छा ये बना हुआ है हमारा शाम का जो चटपटा सा नाश्ता, बहुत ही पसंद आएगा सभी को। वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए।